मित्रों, हम कवि लोग जगह जगह से कवि सम्मेलन के लिए मंगवाए जाते हैं। कई खट्टे कई मीठे अनुभव आते हैं। मीठे हम अपने पास रख देते और खट्टे सुना देते हैं ताकि दर्द न हो। एक जगह कवि सम्मेलन का न्योता आया, मैं सज धज के वहां पर पहुंचा। वहां जाकर देखा कि 1500 के करीब श्रोता बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आयोजनकर्ता जो थे उनके पास पहुंचा, उनसे शिकायत की। मैंने कहा, भाई साहब, ऐसे भी अच्छे श्रोता मिलते नहीं है। आपने इतना भव्य आयोजन किया है, 1500 के करीब श्रोता इकट्ठे किए हैं, तो थोड़े और कवियों को मौका देते थे। हम 3 ही कवि कैसे संभाल पाएंगे। तो आयोजनकर्ता परेशान सा मुझे कोने में लेकर गया, थोड़ा सा रोया, थोड़ी छाती पीटी, फिर बोला, भाई साहब, आप गलत फहमी में हो। वो जो 1500 है ना, वे कवि है। और श्रोता केवल 2 ही आए थे, इसलिए मंच पर बिठा दिया। एक और कवि मित्र थे, उनको 2 पंक्तियां पढ़नी थी। पहली पंक्ति पढ़ी, दूसरी भूल गए। पहली पंक्ति थी, इतनी बुलंदियों से गिरा मैं, दूसरी पंक्ति भूल गए। और इतनी बुलंदियों से गिरा मैं, याद ही नहीं आ रहा है। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, बोले, काहे को चढ़ा। आइए मित्र, कविता से जोड़ता हूँ आपको। जो जिस परिवेश में रहता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आ जाता है। मुझे पता है कि एक व्यक्ति जो आपको बैटरी दिखाता है थिएटर में जाते हुए, तो वो दांतों के डॉक्टर के पास गया और उनसे कहा कि मेरे दांत में दर्द है। डॉक्टर ने पूछा, कौन से? तो बोले, ऊपर की बालकनी में 3 नंबर पे। मैंने इसी बात को पकड़ा और मैंने कविता का निर्माण किया। एक विषय आपको समझ में आते जाएगा कि एक अजीबो गरीब कवि सम्मेलन का ऐलान किया गया। अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए कवियों को एक ही विषय देकर आमंत्रित किया गया। विषय श्रृंगार का था, विशाल था, क्योंकि घर के बाहर का था। श्रोताओं की कमी न थी, क्योंकि खतरों से खेलने की उनकी पुरानी आदत थी। संचालक के हाथों में बंदूक थी, जेब में चाकू था, जाहिर था वो पेशे से डाकू था। अध्यक्ष महोदय ने बड़ी सुरक्षा के बीच दीप प्रज्वलन किया और बुलेट प्रूफ जैकेट टटोल कर अपना स्थान ग्रहण किया। संचालक ने शुरुआत की, बोला, मेरे से किसी भी कवि ने सम्मान वाले शेर की आशा नहीं करने का। एक फायर किया तो खड़ा होने का, 2 फायर किया तो बैठ जाने का। उसने एक फायर किया। अब पहले कवि के कपड़ों की मैली मैली शान है, श्रोताओं को समझने में जरा भी अड़चन नहीं हुई कि जनाब की किराने की दुकान है। माइक पर आकर संचालक की ओर देखकर बोला कि मेरे और वक्त के भलाई को देखते हुए आइए, 1/2 किलो कविता की जगह 50 ग्राम वाला शेर मुलाजा फरमाइए। अच्छा। शेर तौल रहा हूं कि साबुन से लगता तेरा गोरा बदन, बालों से आंवला तेल वाली नारी लगती हो, ऐ मेरे शक्कर के बोरे सी गुलबदन, भाव गिरते ही प्यारी लगती होए होए, वाह। दूसरा कवि एक जाड़ा सा मिठाई वाला था। अच्छा। नाम तो तोला राम था, लेकिन लोगों के लिए लाला था। माइक पर आकर बोला कि भाई किराने ने बहुत अच्छा शेर सुनाया और अपने व्यवसाय को साहित्य में स्थान दिलाया, अब मेरा शेर चखिए और आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, चखिए। कि लोगों के लिए वे चेचक के दागी सही, मेरे लिए तो घेवर है। आहा। तुम्हारी घुमाने वाली बातों में जलेबी से तेवर है। ओए होए। तुम्हारी चाशनी टपकाती मुस्कान ही मेरे लिए सब कुछ है, सुतर फेणी से बालों की सौगन, एक तुम ही मेरी बालूशाही हो, बाकी सब कुछ नेवर है। आहा। एक श्रोता खड़ा होकर बोला कि भाई साहब, बैठ जाइए, अगर आपकी मीठी वाणी और ज्यादा गुनगुनाएगी तो सारे हॉल में मक्खियां भिनभिनाएगी। श्रोता तीसरे कवि की प्रतीक्षा करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे कि 4-4 फायर हो चुके हैं, फिर भी पट्टे के खर्राटे जारी है, हो न हो जरूर ये सरकारी कर्मचारी है। क्या बात, हो न हो जरूर ये सरकारी कर्मचारी है, अरे जल्दी से कुछ करो वरना समय से पहले ही भाग जाएगा। और एक ने बड़ी उपयोगी बात बताई कि 500 का नोट नाक के सामने धर दो, अभी जाग जाएगा। वाह वाह। 500 के नोट ने अपना कमाल दिखाया, तीसरे कवि को माइक के सामने लाया। माइक पर आकर बोला कि तुम मुझे सचमुच में चाहती हो
तो मेरे ऑफिस क्यों आती हो? हाँ ठीक है, ऑफिस में ही आना है तो पीछे के दरवाजे से आना। दहेज के लिए जो रुपया लेकर आई हो वो टेबल के नीचे से दे जाना। हाय हाय। और देखना खिड़की के सामने वाली कतार में खड़ी मत रहना। खिड़की के सामने वाली कतार में खड़ी मत रहना, ये सरकारी खिड़की है जाने मन, इसका खुलने और बंद होने का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी भर कुंवारी रहे। शैलेश भैया बहुत अच्छा गाते हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, मगर स्थितियाँ देखिए साहब, शादी जैसी बात पर हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद किया जाता है, जबकि पहले के ज़माने में 3 या 4 गानों में शादी निपट जाती थी। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बहारो फूल बरसाओ, तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लेती जा। अब 3 में भी नहीं निपटा तो चौथे में तो निपट ही जाता था मामला। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। बिल्कुल युवा वर्ग मेरे सामने बैठा हुआ है। मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था, अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। वाह। 4 बोतल ओद का काम मेरा रोज का, अगला पीने की बात को कितने घरों के साथ कह रहा है। 30-35 साल पहले शब्बीर कुमार साहब ने भी गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, कोई कारण तो था। यहाँ तो काम मेरा रोज का। अरे बहुत बढ़िया करते, बहुत अच्छे। नो रीजन ऑल सीजन, बड़ी समस्या होती है। शैलेश भाई ने परिचय करवा के दिया, बोले ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले आ गए, पाठ्यक्रम पता नहीं है, क्योंकि बच्चे उस टाइप के हैं साहब, तो पाठ्यक्रम कहाँ से पता चले। वो तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को एक बाबा जी ने, महाराज जी ने पूछ लिया गांव में आकर के कि बेटा मंदिर में जाने का रास्ता किधर है। बच्चा बोले भाई जाके दाएं घूम जाओ मंदिर आ जाएगा। महाराज जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना। बच्चा बोले उसमें क्या है, शाम को क्या होने वाला है। बाबा जी बोले बेटा प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले उसमें क्या होगा, बोले स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं। बहुत बढ़िया कपिल, ये स्थितियां हो गई है, तब जाके क्या बात करे। मगर गाने होते तो गानों तक ठीक से मामला था, मगर जब से गानों की रिंगटोन बजी तब जाके कविता यूं भी पैदा हुई कि रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। पत्नी ने कहा जी इतनी रात गए किसका होगा, हमने कहा जिसने लगाया उसका होगा। सही बात है। रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी, पत्नी ने कहा अजी इतनी रात गए किसका होगा, हमने कहा जिसने लगाया उसका होगा। हमने भारतीय मतदाता की तरह संभ्रमित अवस्था में बटन दबाई और पूछा कौन, उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। उस सुमधुर आवाज को हमने कहा कि आप भी कितनी कमबख्त है, ये डाउनलोड करने का नहीं लोड डाउन करने का वक्त है। यह डाउनलोड करने का नहीं लोड डाउन करने का वक्त है। रिंगटोन के कई किस्से हैं, अपने पास किस्सों के कुछ हिस्से हैं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। वाह। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। सुनकर रिंगटोन को मृत व्यक्ति के भाइयों ने रिंगटोन वाले को डांटा, मार करके एक चाटा, कहने लगे समझा करो हालात को, जज्बात को, तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को। तुम्हें क्या हक है, मैं क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को। मित्र के यहाँ बच्चा पैदा होने पर हम देने के लिए गए दुआ, और हादसा यूं हुआ रिंगटोन बज उठी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब हुआ।